हे गाइस, वेलकम टू न्यू लॉग। आज मैं आपको अपनी कार का घर बैठे पंचर कैसे निकाले इसके बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूँ। हाँ, ये बात सही है कि पंचर बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके पास अगर वो मशीनरी यानी हवा भरने का मशीन और पंचर किट रहेगा तो आप अपने हाथ से, क्योंकि आजकल हर कार में या हर बाइक में ट्यूबलेस टायर आ रहा है, तो उसकी वजह से बिना टायर खोले कार में लगे हुए टायर को जगह भी पंचर निकालना बहुत इजी हो चुका है। तो ये देखिए भाई लो, ये अपना टायर देखिए, पूरा बैठ चुका है टायर। यहाँ पे देखिए ऊपर ठीक ऐसा लग रहा है, लेकिन नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आपको और एक दिखाने के लिए ये आगे का टायर देखो, आगे का टायर वैसा कुछ है क्या? आगे इंजन रहता है तो हवा आपका पीछे और आगे अगर सेम भी रहेगा तो भी आगे के टायर में ऐसा लगता है, लेकिन ये सही हवा है। अभी तो पहले अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले ये टायर को हम लोग हवा फिलअप करेंगे मशीन से। तो अभी इसको ये मशीन का पॉइंट चार्जिंग पॉइंट में, सॉरी ये देखो, ये मशीन का पॉइंट चार्जिंग पॉइंट में डाल दिया। ये मशीन को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं और अभी कार चालू करके हम लोग हवा फिलअप करेंगे। एक्चुअली मशीन अगर आपका एयर कंप्रेसर है आपके पास तो एयर इन्फ्लेक्टर, तो इसके लिए ज़रूरी ये चीज़ है कि आपका कार चालू रहना ज़रूरी है जब आप हवा फिलअप करेंगे, नहीं तो आपका बैटरी ख़राब हो सकता है। इसके लिए कार हवा, जब आप कभी भी हवा भरते हैं तभी आपको एयर फिल्टर ऑन करने से पहले आपका कार चालू रहना ज़रूरी है। ये देखिए अभी एयर इन्फ्लेक्टर का लगा दिया है टायर को, और यहाँ पे देखिए प्रेशर कितना बता रहा है, 0.5, यानी अपने पास सिर्फ इतना ही हवा है। अभी अपन मशीन ऑन करेंगे और अभी आप देख लीजिए। अभी टायर और मशीन दोनों देख लीजिए, आपको पता चले। इसके लिए मशीन मैं ऐसे रखता हूँ ताकि आपको प्रेशर भी बढ़ रहा है वो समझ में आएगा। इसको मैंने 32 PSI पे सेट कर दिया है, तो उसके हिसाब से अभी ये 32 PSI तक जैसा फिलअप हो जाएगा वैसा ये शांत हो जाएगा। यही अगर ट्यूब टायर रहता तो ये चीज़ पॉसिबल ही था नहीं, ट्यूबलेस टायर की वजह से हम लोग ये चीज़ कर पा रहे हैं। लोग देखिए अभी आप लोग देखिए, ये देखिए टायर का देखो, अभी थोड़ी देर पहले हवा भरने से पहले टायर कैसा था और अभी कैसा है, तो अभी हम लोग चेक करेंगे। अभी ये जो बॉटल आपको दिख रहा है, ये बॉटल में मैंने शैम्पू मिलाया है, पानी लिया पहला, इसमें शैम्पू डाला और पंचर मैंने पहले ही नोटिस किया है, लेकिन अभी मुझे आपको दिखाना था इस चीज़ के लिए। ये देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा अभी,
दिख रहा है बबल्स आ रहे हैं, यहाँ पे बबल्स आ रहे हैं, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनर एकदम है, सॉरी यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है छोटा सा, और ये माइनर पंक्चर है, और ये मेजर है। मेजर क्या है अभी अपन चेक करते हैं, इसको अपन साफ करेंगे हाथ से। ये देखिए यहाँ पे आपको, एक मिनट, आपको ठीक तरह से दिख नहीं रहा होगा, कपड़े से मैं साफ करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए बबल्स आते दिखेंगे आपको, वहाँ पे भी आगे पे भी, एक ही जगह थोड़ा दूरी पे ही पंक्चर है। एक मिनट अभी देखिए मैं इसको साफ करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे खिला है, दिख रहा है? हाँ, ये देखिए ये खिला लगा हुआ है, जंग पकड़ा हुआ, और यहाँ पे भी छोटा सा खिला है यहाँ की तरफ, एग्जैक्ट यहाँ पे। तो अभी मैं पहले इसको निकलता हूँ। तो ये रहा अपने पास पंक्चर किट, अभी हम लोग पकड़ से इसको निकालेंगे। ये देखिए मैंने अभी यहाँ से, यहाँ पे जो खिला था वो निकाल दिया, आपको आवाज़ आता रहेगा, सॉरी आप आवाज़ सुन रहे क्या नहीं, देखिए आपको आवाज़ सुनाई देता रहेगा। ये देखिए ये, क्योंकि खिला जो था ये इतना बड़ा था, ये देखिए अभी मुझे क्या करना है, मैंने इसके ऊपर खिला वापस थोड़ा डाल दिया क्योंकि हवा बहुत ज़ोरों से जा रहा था, टायर वापस नील हो जाता था। तो इसको पहले मुझे ये निकाल के यहाँ पे जगह पे वहीं पे, ये जो अपना मशीन ये टूल है, इस टूल से मुझे जगह बनानी है। अभी इस टूल को मैंने इसके अंदर फिक्स कर दिया है, तो इसको फिक्स करके ही रखने का ताकि हवा जा ना पाए। तब तक हम लोग जो प्रिपरेशन के लिए ये जो टूल है ये आपको दिख रहा है, ये टूल में इसमें से एक निकालने का और इसके अंदर डालने का, और जैसे आप डालोगे ये जो लिक्विड है रबर सॉल्यूशन, इसको इसके अंदर डालने के बाद इसके ऊपर लगाने का। जैसे आप लगाओगे वहाँ का नॉब, वहाँ का जो मैंने अभी टूल लगाया है, वो टूल निकाल के इसको अंदर फिक्स कर देने का। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो, अभी इसके अंदर से ये जो पंचर किट में से ये जो एक क्लिप है उसको अपन निकल लेगा। और इसके ऊपर ये ग्लू जो दिया हुआ है कंपनी ने, ये ग्लू इसके ऊपर लगा देने का, और बराबर इसका सेंटर आना चाहिए, जो टूल है इसके सेंटर में दोनों का बीच का ये सब जगह आना चाहिए। इसके ऊपर अभी ग्लू लगा है, अभी हम लोग इसको निकाल के लगाते हैं। ये देखिए अभी अपन ने इसको लगा दिया है।
और अभी सिंपली आपने वो क्या करना है, एक बार यहाँ पे ये फिट होने के बाद इसको आपको निकालना है, बस सिंपल स्टेप है ये। अभी जो पंचर अपन निकाले वो सक्सेस है क्या नहीं है ये चेक करने के लिए अभी वापस अपन शैम्पू के पानी से इसके ऊपर प्रेशर मारेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, बबल्स वगैरह कुछ नहीं है। और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे भी जब टायर था यहाँ पे तो मुझे ग्रिप नहीं मिल रहा था, इसकी वजह से मैं उसको फिक्स नहीं कर पा रहा था। इसके लिए वो वीडियो मैंने दिखाया नहीं, मैंने हल्का सा गाड़ी रिवर्स लेके यहाँ पे जैसा मुझे ग्रिप मिलने की जगह खाली जगह मिली वहाँ पे मैंने टायर ला के छोड़ दिया और यहाँ पे मैंने पंचर निकाला है। तो इस तरीके से पंचर निकाला जाता है। और देखिए कैसा है ये जो हम लोग अभी ये पंचर बना रहे हैं, मैं पंचर बना के दिखा रहा हूँ, इसका एक रीज़न है। जो आप एयर इन्फ्लेक्टर अपने पास रखेंगे, पंचर किट अपने पास रखेंगे, तो आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो, फैमिली के साथ रहते हो, कभी रात को या दिन में भी कई बार ऐसा होता है कि ऐसी जगह पे गाड़ी पंचर हो जाती है जहाँ पे आपके पास ना कोई पंचर वाला रहेगा या कोई दुकानदार, तो वो टाइम पे आप क्या करेंगे, टायर निकालेंगे, चेंज करेंगे, आपका स्टेपनी डालेंगे। उससे अच्छा बिना टायर खोले अगर एयर इन्फ्लेक्टर आपके पास है या आपके पास पंचर किट है तो आप बिना टायर खोले ही जगह पे आप पंचर बना सकते हैं। और इसमें ज़्यादा मगजमारी भी नहीं है, ये हार्डली पाँच मिनट या 10 मिनट का काम रहता है, बस जो मैंने आपको दिखाया वो। अगर 10 मिनट में अगर आपका पंचर बन जाता है तो क्यों फिर वो स्टेप निकालो और फिर टायर चेंज करो फिर पंचर वाले के पास जाओ। या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी के पास बाबा स्टेपनी भी ख़राब रहती है, तो वो टाइम पे वो बंदा क्या करेगा, रात में किधर जाएगा, दूर दराज के इलाकों में जब वो कहाँ घूमने जाते हैं या किसी कोई काम से जाता है तब क्या करेंगे। तब यही टाइम पे वैसे टाइम पे आपको ये एयर इन्फ्लेक्टर और पंचर किट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बहुत सारे लोगों को फ़ायदे में आने वाली चीज़ है। तो आपको कैसा लगा आप मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, आपको वीडियो कैसा लगा, इसमें से आपको कुछ चाहिए, कुछ नॉलेज चाहिए या फिर आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि एयर इन्फ्लेक्टर मशीन कौन सा होना चाहिए, पंचर किट कौन सा होना चाहिए, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, तो आप मुझे बता देना। ठीक है, अभी तक के लिए थैंक यू वीडियो देखने के लिए।